बसमिल आज हम एक्सरसाइज़ वन पॉइंट सिक्स के क्वेश्चन थ्री फोर फाइव एंड सिक्स को सॉल्व करते हैं ये वर्स प्रॉब्लम है यानी अब आपको प्रॉब्लम्स गिवन है आपने इसको मैट्रस की मदद मतलब से सॉल्व करना है ये क्वेश्चंस आपकी बुक में मौजूद है पेज नंबर फोर्टी फाइव इसलिए मैं इसको सिर्फ पढ़ता हूँ अमजद थाट आफ टू नंबर अमजद ने दो नंबर जो है वो सोचे हुज समल्व जब उन दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो ट्वेल्व आता है एंड हुज डिफरेंस इज फोर और जब हम उसको माइनस करते हैं तो फोर आता है फाइंड द नंबर्स तो अमजिद लेट थॉट Numbers X and Y according to according to first condition. पहली कंडीशन ये है कि जब इन दो नंबर्स को ऐड करें तो हमारे पास इसका रिज़ल्ट ट्वेल्व आता है एंड अकॉर्डिंग टू सेकंड सेकंड कंडीशन दूसरी कंडीशन ये है अगर हम इन्हीं दो नंबर्स को माइनस करें तो रिज़ल्ट फोर आता है तो अब हमने x एंड y को फाइंड करना है हम इस इक्वेशंस को इस तरह लिख लेते एक्स एंड वाई इज इक्वल टू ट्वेल्व एंड एक्स माइनस वाई इज टू फोर इसको हमने तीन मैट्रिक्स में लिखना है पहले मैट्रिक्स में आप इसके कोफ़िशन लिखें दूसरे मैट्रिक्स में ये वेरिएबल एक्स वाई लिखें तीसरे मैट्रिक्स में आप ट्वेल्व एंड फोर लिखें ये मैट्रिक्स ए हो जाएगा ये एक्स है और ये बी है एक्स फाइंड करना है तो इसको यहाँ से हटाएंगे तो इनवर्स के साथ दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर लें ये आपस में कैंसल हो जाएंगे यहाँ पे आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी अब हमने ए इनवर्स फाइंड करना है ए इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले आपको ए डिटर्मिनट का मालूम होना ज़रूरी है a डिटर्मिनट तो ए डिटर्मिनेट हमारे पास होगा वन 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 माइनस वन वन को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन के साथ फिर ये माइनस और ये वन मल्टीप्लाई वन इससे आएगा माइनस वन इंटू माइनस वन माइनस टू अब हमने ए इनवर्स फाइंड करना है तो ए एनवर्स इज़ इक्वल टू वन बाय ए डिटर्मिनेंट एट ऑफ ए ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू माइनस टू है और एट ऑफ ए में इन दोनों की जगह बदल जाएगी ये आपस में इंटरचेंज और इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे माइनस वन एंड माइनस वन अब हमें ये इक्वेशन दोबारा यूज़ करनी है यूजिंग इक्वेशन वन एक्स इज़ इक्वल टू ए इन बी ए इनवर्स की वैल्यू है माइनस वन बाई टू माइनस वन माइनस वन माइनस वन वन एंड बी हमारे पास ट्वेल्व एंड फोर है अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन को इस ट्वेल्व से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ट्वेल्व और इस माइनस फोर को जो फोर माइनस वन को जो फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस फ़ोर अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस वन मल्टीप्लाई ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व वन को फोर के साथ तो प्लस फोर माइनस वन बाई टू इससे हमारे पास आता है माइनस सिक्सटीन और इससे आ जाएगा माइनस एट अब हमने लास्ट स्टेप्स में एक्स इज इक्वल टू इस माइनस सिक्सटीन को भी इस माइनस टू से डिवाइड करेंगे और माइनस एट को भी इस माइनस टू से ये माइनस आप यहाँ पे लिखें या ऊपर लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता या आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं तो अब हम इस माइनस सिक्सटीन को भी माइनस टू से डिवाइड करते हैं और माइनस एट को भी माइनस टू से डिवाइड करेंगे तो x इज एक टू इससे आ जाएगा एट और इससे आ जाएगा फोर माइनस एट को जब माइनस टू पर डिवाइड करेंगे ये एक्स तो असल में हमारे पास एक्स एंड वाई था एट एंड फोर इट्स मीन दैट एक्स इज इक्वल टू एट एंड वाई इज इक्वल टू फोर थॉट दीज टू नंबर्स एट एंड फोर when we add these two number 8 and 4 the result is 12 and when we subtract these two number 8 minus 4 the answer is 4 it means that our answer is correct now we start question 4 the length of the rectangular playground is twice its width a playground hai. इसका जो लेंथ है वो वेट से ट्वाइस है यानी दुगना है तो पहली कंडीशन हम ये कह लेते हैं कि हमारे पास वेट एक्स है और लेंथ हमारे पास वाई है द पैरामीटर इज़ थर्टी और इसकी ये पूरी बाउंड्री जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बाउंड्रीज़ को पेरीमीटर कहते हैं ये कितनी है थर्टी है फाइन डायमेंशन डायमेंशन मीन ये लेंथ हो वर्थ फाइंड करना है तो हम सपोज करते हैं कि इसका ये जो वेड़ है ये एक्स है और इसका जो लेंथ है ये वाई है देखें एक्स एंड वाई पेरीमीटर थर्टी है फर्स्ट कंडीशन ये है कि लेंथ ऑफ़ एक्स यानी वाई इज इक्वल टू टू एक्स या हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिम्प्लीफाई करेंगे कि इस y को इस साइड पे ले जाएंगे तो यह आ जाएगा 2x एक्स माइनस वाई और इस साइड पे जीरो रह जाएगा जिसको फिर हमने सही करके इस तरह लिखा है कि 2x एक्स माइनस वाई इज इक्ल टू ज़ीरो इससे फर्स्ट कंडीशन आती है सेकेंड कंडीशन इज़ द पैरामीटर ऑफ दिस ग्राउंड इज़ थर्टी और पैरामीटर मैंने आपसे कहा है कि ये पूरी बाउंड्री है तो इसका फार्मूला क्या है पैरामीटर में दो वाई है यानी दो ये लेंथ हैं और दो ये वर्थ हैं एक्स एंड एक्स है तो टोटल पैरामीटर जो होता है वो होगा टू एक्स यानी दो लेंथ और दो वाई टू वाई इज़ इक्वल टू थर्टी इसमें से टू कामन निकालें तो ये आता है टू इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू थर्टी पेरे का फार्मूला है टू इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू थर्टी क्योंकि पेरे में इसमें टू इसके वेथ हैं और टू इसके लेंथ हैं इसको हम इस तरह मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं टू एक्स प्लस टू वाई इज टू थर्टी इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम पूरी इक्वेशन को टू पे डिवाइड कर लेते हैं तो जब इसको टू पे डिवाइड करेंगे तो ये वन आ जाएगा इसको जब टू पे डिवाइड करेंगे तो वन आ जाएगा इसको जब टू पे डिवाइड करेंगे तो फिफ्टीन आपके पास दो इक्वेशन बन गए टू एक्स माइनस वाई इज़ टू ज़ीरो एंड एक्स प्लस वाई इज टू फिफ्टीन अब हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है टू माइनस वन वन एंड वन कोफिशन को फर्स्ट मैट्रिक्स में एक्स एंड वाई को सेकंड मैट्रिक्स में एंड जीरो फिफ्टीन को थर्ड मैट्रिक्स में ये A, ये एक्स और ये बी क्योंकि हमें एक्स फाइंड करना है तो होल इक्वेशन को ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो ये इनवर्स और ए इनवर्स ए कैंसल हो जाएंगे यहाँ पे एक्स रह जाएगा यहाँ पे ए इनवर्स B. अब ए इनवर्स फाइन करना है तो ए इनवर्स के लिए पहले हम ए मैट्रिक्स का ये हमने डिटर्मिनेंट लिया टू माइनस वन 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 टू को वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस वन को वन के साथ तो इससे आएगा थ्री अब हमारे पास फार्मूला है ए इनवर्स इज इक्वल टू वन बाय ए डिटर्मिनेंट एट ज्वाइंट ऑफ ए वन बाई ए डिटर्मिनेट थ्री है और एडजोइंट ऑफ ए ए मैट्रिक्स जो हमारे पास है ये वाला मैट्रिक्स इसमें इन दोनों की जगह बदलेंगी और इनके साइन चेंज होंगे तो इसको हम एडजोइंट कहते हैं देखें इन दोनों की जगह बदल गई वो वन ऊपर आ गया और टू नीचे और यहाँ पे माइनस वन था ये वन हो गया और ये वन था तो माइनस वन अब यूजिंग इक्वेशन वन ये हमने एक्स इज़ इक्वल टू एन वर्स बी इक्वेशन वन है इसमें यह तमाम वैल्यूज़ पुट करेंगे एन वर्स की जगह ये पुट और B की और बी की वैल्यू ज़ीरो एंड फिफ्टीन है वन बाय थ्री अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ज़ीरो को वन को ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो और इस वन को फिफ्टीन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिफ्टीन माइनस वन को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो और टू को फिफ्टीन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्टी इससे आता है फ़िफ्टीन एंड थर्टी अब फिफ्टीन को भी थ्री पे डिवाइड करेंगे और थर्टी को भी थ्री पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा फ़ाइव और यहाँ पे टेन एक्स इज़ इक्वल टू फाइव एंड वाई इज़ इक्वल टू टेन तो एक्स असल में क्या चीज़ था एक्स तो हमारे पास वेट था यानी अब वेट हमारे पास फाइफ आ गई और वाई हमारे पास लेंथ है वो हमारे पास टेन आ गया ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था क्वेश्चन नंबर सिक्स सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन नंबर फाइव जो है इसका ये जो डेटा है ये ठीक नहीं है इसलिए हम सिक्स नंबर करते हैं ये प्रॉब्लम है कि इफ़ द ट्वाइस द सन एज इज़ इन एयर इज एडिड टू द फादर एज द सम इज सेवेंटी अगर बेटे की जो एज है उसकी ट्वाइस को यानी उसकी दुगनी को बेटे की एज को अगर हम ट्वाइस कर दें और फादर की एज के साथ ऐड कर दें तो रिज़ल्ट क्या है सेवेंटी तो क्योंकि हमें ना फादर की एज पता है ना सन की तो हम कहते हैं सन एज एक्स एयर है एंड फादर एज जो है वो वाई एयर है अब फर्स्ट कंडीशन ये है कि ट्वाइस द एज ऑफ सन प्लस फादर व्हेन द एज ऑफ द फादर इज़ एडिड टाइस द एज ऑफ द सन टू एक्स तो रिज़ल्ट क्या है सेवेंटी सेकेंड कंडीशन बट इफ़ द टाइस दर एज इज़ एडिड टू द सन ऐज अगर जो उनके वाले साहब है उसकी जो एज जो है उसकी ट्वाइस को यानी टू वाई को अगर सन की एज के साथ जो एक्स है उसको ऐड करें तो सेवेंटी फाइव आता है तो ये दो कंडीशन हैं फर्स्ट कंडीशन में सन की एज को ट्वाइस करके फादर की एज के साथ ऐड करते हैं तो सेवेंटी आता है और सेकंड कंडीशन में फादर की एज को ट्वाइस करें और सन की एज के साथ ऐड करें तो हमारे पास से नाइन्टी आता है तो ये दो हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन जाती है बाकी उसको मैट्रिक्स के तरीके से सॉल्व करना है टू वन वन टू ये पहला मैट्रिक्स एक्स वाई दूसरा मैट्रिक्स सेवेंटी और नाइन्टी फाइव तीसरा मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स ए है ये एक्स है और ये बी है ए को हटाने के लिए इनवर्स को बोथ साइड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स और ए आपस में कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे एक्स रह जाएगा और यहाँ पे इनवर्स बी ए इनवर्स के लिए अब हमें ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है ये जो ए मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे टू को टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और वन को वन के साथ इसके साथ इससे रिजल्ट आता है थ्री ए इनवर्स इज इक्वल टू वन बाय ए डिटर्मिनेंट एड ज्वाइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट हमारे पास थ्री है तो ये वन वन बाय थ्री और ये एड ज्वाइंट में क्या होता है कि इनकी जगह बदलेंगी और इनके साइन क्योंकि ये दोनों ही टू हैं तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा जगह बदलने से इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे ये हमारे पास इनवर्स हैं अब इसको हमने इक्वेशन वन में यूज़ करना है एक्स इज़ एक टू तो एनवर्स बी ये एनवर्स की वैल्यू है वन बाई थ्री टू माइनस वन माइनस वन टू और बी की वैल्यू है सेवनटी एंड 75 फाइव अब हमने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे टू को सेवेंटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन फोर्टी माइनस वन को नाइन्टी फाइव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस नाइन्टी फाइव सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस वन को सेवेंटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सेवेंटी और टू को नाइन्टी फाइव के साथ तो वन नाइन्टी फोर्टी में से नाइन्टी फाइव माइनस होंगे तो फोर्टी फाइव और 190 में से 70 माइनस होंगे तो 120. ये थ्री इसके नीचे भी आएगा और 120 के नीचे भी आएगा 45 फाइव बाई थ्री से 15 आता है और 120 ट्वेंटी बाई थ्री से 40 आता है ये x एक्स वाई के इक्वल है इसका मतलब x इज़ इक्वल टू फिफ्टीन एंड y इज इक्वल टू 40. एक्स फिफ्टीन हमारे पास सन की एज थी तो सन एज इज़ फिफ्टीन ईयर एंड फादर एज इज़ फोर्टी Yeah. यहाँ पे हमारे सिक्स एक्सरसाइज जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं अब रिव्यू रहता है उसमें थ्री क्वेश्चंस हैं और एम रहते हैं उसके वीडियो आपको इसके बाद मिलेंगे लेकिन आप मुझे कमेंट्स में लिखें कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं मुझे आप फीडबैक देंगे तो फिर मैं चैप्टर नंबर टू स्टार्ट करूंगा ताकि मैं सेटिस्फाइड हो जाऊं कि आप काम भी कर रहे हैं और आप इन चीज़ों को समझ भी रहे हैं फिर इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर टू स्टार्ट करेंगे